नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद, बिहार का नंबर वन चैनल लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। संजय मयूख, भाजपा के राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी, हमारे सहयोगी आलोक से बात कर रहे थे, जब आलोक ने उनसे कीर्ति आजाद के कांग्रेस में शामिल होने पर सवाल किया तो क्या कुछ कहा है संजय मयूख ने, आप सुन लीजिए। कीर्ति आजाद ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है, क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या है स्ट्रेटेजी उनकी? उनके बयानों से पहले ही आभास था कि वो जाएंगे। भाजपा की लोकप्रियता के कारण वो सांसद बने थे, भाजपा के मतदाता के कारण सांसद बने थे। अब जब वो चले गए तब उन्हें आभास होगा कि उनकी कितनी लोकप्रियता है और किसकी बिना पे वो सांसद बने थे, तो समय समय पर उनको इसका आभास हो जाएगा। बहुत सारे और नेता हैं जो बीजेपी से फिलहाल बागी चल रहे हैं, उनके सुर कुछ और कह रहे हैं और बोल कुछ और कर रहे हैं। सुर ताल का पता चलेगा जब लोकसभा में 2019 में पुनः एक बार भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, क्योंकि ये लोग मौके के यार हैं, तो मौके के यार पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं। तो भाजपा नेता कह रहे हैं कि कीर्ति आजाद मौके के यार है, हालांकि DDCA मामले में अरुण जेटली पर सवाल उठाने के बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। आज उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, राहुल गांधी के मौजूद रहे वहां पर जब उन्होंने कांग्रेस में शामिल हुए वो। अब भाजपा कह रही है कि वो मोदी लहर था जिसने कीर्ति आजाद को जितवाया, 2019 के रण में भी प्रधानमंत्री ही जीतेंगे, वो ही प्रधानमंत्री बनेंगे और कीर्ति आजाद जैसे नेताओं के पार्टी बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ती। बहरहाल आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ, बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपका धन्यवाद।